ओके तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्वर में रेड और बाकी सारी चीजें कवर किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइस का जी इनिशियेटर विच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज आइस का जी हाउ यू कैन क्रिएट लैब फॉर आइस का जी इनिशिएटर ये सारी डिटेल्स हम लोग इस लैब में करने वाले हैं तो एक थियरी सेशन भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्चुअली हमें दो सर्वर की जरूरत पड़ेगी आज एंड दिस इज़ द सर्वर वन आप यहाँ पे देख सकते हो एंड एक और हमारे पास सर्वर है जो कि सर्वर टू और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को लैब सेटअप बता रखा है मैंने तीन सर्वर इंस्टॉल किया था एक पर डीसी बनाया था सर्वर टू था इस पर आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या सीडीसी कुछ ऐसे बना हुआ था है ना एडीसी या सीडीसी ऐसे ही एक और तीसरा सर्वर था जिस पर हमने एडीसी या सीडीसी कुछ ऐसे ही बनाया था तो ये डीसी एडीसी हो सकता है या सीडीसी हो सकता है बट आपके पास दो सर्वर होने चाहिए एक आपका मेन सर्वर और एक उसका मेंबर सर्वर होना चाहिए ओके सो so, आइस का जी इनिशिएटर किस बिहाब पर इंप्लीमेंट किया जाता है या इसका पर्पस क्या है राइट right? सो so, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कवर करते हैं सो so, एक नोट मैंने ओपन किया ये ब्लैक कलर स्क्रीन ये विजिबल है, क्योंकि ऑडियोबल रहेंगे थोड़ा सा बता दिया करेंगे क्योंकि मैं अभी सेटअप पर नहीं हूं तो ये होता है ना कि क्या एग्जैक्टली सो एम सी एस एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरेज लाइक स्टोरेज क्या होता है कितने टाइप्स के होते हैं सारी चीजें तो आइस का जी इनिशिएटर ओके आइस का जी स्टैंड फॉर होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है और इस स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं वी कैन आर नेटवर्क एडमिन जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है नेटवर्क एडमिन कैन डिप्लॉय वॉल्यूम आर एनी डिस्क स्पेस टू अदर सर्वर ओके okay, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल्स में ले लेते हैं विद डायग्राम जैसे आपके पास एक सर्वर है और ये डीसी आपने बना रखा है इसका एक मेंबर सर्वर है ये आपका मेंबर सर्वर है ये कुछ भी हो सकता है और आपका यहाँ पे एक सर्वर है टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टेन और ये जो मेंबर सर्वर है टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट ट्वेंटी है ऐसे करके तो सबसे पहले हमारे इस सर्वर पर दो ड्राइव बना हुआ था एक सी ड्राइव बना हुआ है और एक डी ड्राइव बना हुआ है यानी कि सी वॉल्यूम है और डी वॉल्यूम है वॉल्यूम आप लोग समझ रहे हैं ना यस सर नो यस सर ओके तो जो सी डी होता है ऐसे मल्टीपल्स ऑफ वॉल्यूम हो सकते हैं ई e वॉल्यूम भी हो सकता है एफ भी हो सकता है ऐसे ढेर सारे वॉल्यूम आपके सर्वर पर पड़े हुए हैं जो कि इस सर्वर पर है और अब चाहते हो इसमें से कोई भी एक वॉल्यूम मान लिया डी ड्राइव को या E ड्राइव को सी को तो हम नहीं करेंगे डी और ई e जो भी स्पेस होते हैं डेटा रखने के लिए उनमें से कोई भी वॉल्यूम या डायरेक्टरी हम चाह रहे हैं कि ये एज इट इज डिप्लॉय हो जाए हमारे इस सर्वर पर और इस सर्वर के डिस्क में अगर डिस्क स्टोरेज जो भी लगा हुआ है इस डिस्क में यहाँ पे सी ड्राइव बना हुआ है डी ड्राइव बना हुआ है और यहाँ पे एक अनलोकेटेड स्पेस आ जाए जो कि हम एफ ड्राइव यहाँ पे बना लें ये फाइव जीबी का और ये फाइव जीबी कहाँ का होगा ये डी वॉल्यूम यहाँ वाला होगा एग्जैक्टली exactly. आप अपने स्टोरेज का कोई भी एक पार्ट आइसक जी इनिशिएटर के थ्रू क्या कर सकते हैं किसी दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं एक छोटा समय यहाँ पे थियरी दिखाऊंगा आप लोगों को अगर इसका, इसका जी

बट सिमिलर वर्क है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट वर्क होगा रियल इन्वायरमेंट में आपके पास हार्ड डिस्क का रैक होगा उसको भी आप एज इट इज डिप कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ये कह रहा है की आप नेटवर्क में किसी अनदर होस्ट को आप अपना स्कजी हार्ड डिस्क क्या कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क में विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल डिप्लॉय कर सकते हैं ओके okay? तो एग्जैक्टली exactly क्लियर हो गया होगा कि हमारे एक सर्वर का स्पेस दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय करा जा रहा है होस्ट किया जा रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक सर्वर वन है यहाँ पे आप देख रहे हो और ये मैंने बना रखा ऑलरेडी सीखो लाइव डॉट लोकल इसको लॉग इन कर लेते हैं ओके okay. सो so एक सर्वर लॉग इन हो गया एंड ओके एंड एक और यहां पे सर्वर है और इसको भी हम लॉग इन कर लेते हैं दूसरा सर्वर ये सी डी सी सर्वर है चलो देख लेते हैं हमारे सी डी सी पर कोई इशू तो नहीं आएगा ओके सो आपका एडीसी भी यहाँ पे हो सकता है एडीसी पर तो लास्ट लैब भी मैंने इसी पर किया था एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर बट नो इशू सबसे पहले हम सर्वर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर बहुत डार्क बहुत हार्स uh, कलर है ये तो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ये यह हो गया एंड uh, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है ये हमारा CDC सर्वर है आप यहाँ पे देख सकते हैं सी जिसका आई एड्रेस टेन जीरो जीरो ट्वेंटी है और ये प्रॉपर तरीके से हमारे पिंग कर पा रहा है मेन सर्वर यानी कि सीखो लाइव डॉट लोकल से टेन जीरो जीरो टेन जिसका आई एड्रेस है पिंग हो रहा है और फाइनली विंडो आर डिस्क एम जी एम टी डॉट एम एस सी डिस्क एम जी एम टी डॉट एम एस सी एंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके पास अभी फिलहाल कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है यहाँ पे तो हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे कहाँ से सर्वर वन से सर्वर वन पे आ जाते हैं सर्वर वन का जो आईपी एड्रेस और डिटेल्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो टेन जीरो जीरो टेन है ये मैंने कनेक्टिविटी और क्या मैं लैब सेटअप किया हूं ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जब भी आपको टोपोलॉजी पता है ना तो स्टेप बहुत छोटा होता है आसानी से आप कर लेंगे लैब बट अगर पता ही नहीं है कि क्या सेटअप इसके लिए होना चाहिए इस लैब के लिए तो वहां है राइट <coughs> क्लियर है ना तो ठीक है अभी हम सर्वर वन पे आ गए एंड सर्वर वन पे फाइल एंड स्टोरेज के अंदर मैं आइस का जी या जो भी है उसको बाद में चेक करेंगे सर्वर पूल पहले चेक कर लू कल मैंने एक्चुअली डेटा डी भी कर दिया था ये सब तो वो मुझे डिलीट करके एक फ्री स्पेस ले लेना है बाकी कुछ नहीं तो मैं यहां से कर कर देता हूं, इसको कर देता इसको डिलीट एंड यहाँ से जो हमारा ये पूल है जितना भी यहाँ पे डिलीट स्टोरेज पूल अब हम सबको पता है कि ये एक से दो मिनट का समय लेता है तो ये प्रॉपर हो जाए फिर हम लोग आ जाएंगे अपने सर्वर मैनेजर पे डिस्क से ओपन करेंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपके पास तीन डिस्क है तो कोई भी एक डिस्क को अभी हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो जीरो डिस्क है ये मैं दूसरे सर्वर के लिए डिप्ल डिप्लॉय कर दूँ तो इसको एक पार्टीशन में हम बना देंगे अभी जैसे ही हमारा ये वाला स्टेप कल कन्फर्म हो जाता है डिलीटिंग का प्रोसेस एंड सेकेंड सर्वर पर एक छोटा सा सेटिंग हम लोग कर लेते हैं आई और डी का सेटअप चेक कर लें यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली exactly? ओके okay. इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे विंडो आर एन डॉट सी ये पर्टिकुलर कमांड है जिससे आईपी चेक करते हो तो यहाँ पे अभी अनवेरीफाइड है और अन है तो मैं यहाँ पे आई पी वर्जन फोर और देख सकते हो आप सब कुछ ओके है टेन जीरो जीरो टेन हमारे डीसी सर्वर का आई एड्रेस भी है डी में गेटवे हमारा वन है एंटर कर देते हैं एंड इसको एक बार इनेबल और डिसेबल कर लेते हैं यहाँ पे हमारा सीखो लाइव या सी डी सी डॉट सीखो लाइव डॉट कॉम या डॉट लोकल जो भी है आना चाहिए सी डी सी सीखो लाइव डॉट लोकल आ गया एंड uh, बस फाइनली इधर भी हो गया है कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है दोनों तरफ ओके okay है ओके डन डिलीट हो गया सो so, फाइनली एक बार मैं सर्वर मैनेजर पूरा क्लोज करता हूँ एंड ये डिस्क भी पूरा क्लोज करता हूँ सर्वर मैनेजर दोबारा से ओपन करेंगे क्योंकि रिफ्रेश होना जरूरी है सर्वर का ओके सो फाइनली हमारा सर्वर मैनेजर फर्स्ट सर्वर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ डी सर्वर पर एंड वेट uh, करते हैं फ्यू सेकेंड्स तो यहाँ पे हमारा फाइल एंड स्टोरेज आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ स्टोरेज पूल तो तीन डिस्क हमें यहाँ पे मिल जानी चाहिए फिजिकल डिस्क में तीनों डिस्क अभी बिल्कुल फ्री हैं तो हम एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल यहाँ पे डिस्क जीरो को ही मैं यहाँ पे एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ और ये मैं बना देता हूँ आइस का जी या सिंपल डिस्क डिप्लॉय ऐसे लिख देंगे ताकि हम किस डिस्क को डिप्लॉय करना इजली समझ ओके डिस्क डिप्लॉय यहाँ पे एक टेन जीबी का पार्टीशन क्रिएट हो गया फाइनली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो एक और पार्टीशन में यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉल्यूम के अंदर डिस्क डिप्लोय एफ ड्राइव आ गया और आइसकेजी इनिशिएटर जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे देगा टू तो इंस्टॉल आइसकेजी इनिशिएटर टारगेट सर्वर स्टार्ट द एडी रोल्स एंड फीचर विजार्ड्स ओके तो यहीं से स्टार्ट मतलब इंस्टॉल हो जाएगा आपको सर्वर डैशबोर्ड में ऐड रोल एंड फीचर पर नहीं जाना है यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं तो सेटअप स्टार्ट करें कोई डाउट यहां तक किसी को अभी तक तो सारा लैब सेटअप ही हुआ ओके okay, कंटिन्यू रखते हैं टू इंस्टॉल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आइस जी इनिशिएटर टारगेट सर्वर ओके सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे रिस्टार्ट कर लो आप अगर रिक्वायर्ड है तो हो जाएगा रिस्टार्ट अदरवाइज कोई जरूरत नहीं तो ये हमारा आइसकजी इनिशिएटर जो रोल है ये यह यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है बस ये कंप्लीट होने को ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगता हो गया जस्ट क्लोज कर देना है एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर लो अब यहाँ पे देखो ये टू इंस्टॉल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अपडेट हो जाएगा नाउ यू हैव ऑप्शन टू क्रिएट एन आइस वर्चुअल डिस्क सो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट देन यू कैन स्टार्ट द न्यू आइस वर्चुअल डिस्क विजेट फ्रॉम ईयर ओके तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे एंड आपको ये नेसेसरी सेटिंग्स है जो कि बहुत ध्यान से समझना है ओके नाउ नेक्स्ट थिंग कि मेरे पास कौन सी ड्राइव है जिसको क्या करना है कि डिप्लॉय करना है दूसरे होस्ट को तो मेरे पास एफ ड्राइव है और इसी एफ ड्राइव को मुझे डिप्लॉय करना है जो कि नाइन पॉइंट नाइन फाइव जी बी है ओके यही था ना या तो फिर अगर आपके पास कोई कस्टम पाथ है या फोल्डर है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो तो नहीं मुझे पूरी ड्राइव डिप्लॉय करनी है नाइन पॉइंट नाइन फाइव जी बी तो मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया एंड फाइनली मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा और जहां कहीं भी ऑप्शन ना समझ में आए पूछ लेना आप लोग मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दूंगा जैसे ये मैं देना चाहता हूं मेंबर सर्वर एम ई एम मेंबर सर्वर ओके डिस्क डिप्लॉय या मैं यहाँ पे एक साथ डिस्क डेप लिख देता हूं ताकि मुझे पता चले किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर ऐसे आइडेंटिफिकेशन नेम रहता है तो एक्जैक्टली exactly हमें पता चलता है कि ये चीज मैंने किस लिए ले रखा है okay? ओके नहीं तो एक्स वाई जेड या न्यू वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट नेम तो सभी का होता है बस इतना करके यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हैं अदरवाइज यहाँ से नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल नाइन पॉइंट नाइन का जो स्पेस है ये पूरा देना चाहते हैं या कुछ अलग यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं मैं यहाँ पे फाइव जी ले, ले लेता हूँ फिक्सड साइज ओके okay? क्या होगा की फाइव जी बी तो ठीक है इतना स्पेस तो उसको दिखेगा ही दिखेगा अगर वो इसमें स्पेस इस एक्सपेंड करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है ओके okay, अगर फिक्सड कर देंगे तो वो एज इट इज जितना है उतना ही रहेगा तो हमें क्या करना है फिक्स्ड रखना है या डायनेमिक एक्सपेंडिंग रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आप ले सकते हैं सो so फाइनली मैं यहाँ पे फाइव जी भी ले लेता हूँ एंड डायनेमिक एक्सपेंडिंग मैं एलोकेट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ फाइनली यहाँ पे पूछ रहा है आइस का जी इनिशियटर डिस्क जो है नई डिस्क आप क्रिएट करना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग डिस्क है तो हम बिल्कुल न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी न्यू पे यहाँ पे सिलेक्टेड है नेक्स्ट कर देंगे अब कह रहा है कि यहाँ पे टारगेट नेम एंड एक्सेस तो टारगेट नेम हमारा क्या है आ, कुछ भी है एमईएम e. सर्वर लिख देते हैं एमईएम एसआरवी ओके मेंबर सर्वर एंड कुछ भी आप दे सकते हो डिपार्टमेंट कोई चल रहा अकाउंट मार्केटिंग एचआर जो भी है उसको भी दे सकते हो अब कह रहा है एक्सेस सर्वर बताओ कौन सा सर्वर इसको एक्सेस करेगा तो मैं यहां पे जब क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा एक्सेस सर्वर का आईपी एड्रेस तो मुझे यहाँ पे टेन डॉट जीरो डॉट जीरो ट्वेंटी है ना हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इस पे टेन जीरो ट्वेंटी है और ये दोनों सर्वर पिंग कर रहे हैं ना क्योंकि लास्ट सर्वर फर्स्ट सर्वर से पिंग कर रहा है बट फर्स्ट लास्ट से पिंग कर रहा है कि नहीं मैंने ट्राई नहीं किया चेक नहीं किया क्योंकि दोनों पिंग होना चाहिए दोनों यहाँ पे पिंग कर रहे हैं ओके देन नो इशू वर्क करेगा फाइनल नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे पे करके ओके okay कर दो यहाँ पे आपका सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिक्योरिटी तो आप इसको यूज करना चाहें करें एक यूजर नेम पासवर्ड से वो एक्सेस करें तो हमें कुछ नहीं देना स्टोरेज है

aiskg initiator पे नहीं नहीं सर ओके क्लोज कर दिया अब देखना आपके पास दूसरा सर्वर है ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी अनदर अनदर लोकेशन पर सर्वर होते हैं और आप अपनी डिस्क को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो अब aiskg initiator कह रहा है कि नॉट कनेक्टेड मेम सर्वर है और ये दस, 10 सॉरी 100020 आईपी एड्रेस को डिप्लॉय किया गया है इनिशिएटर आईडी है और यहाँ पे फाइव जी बी का इनिशियेटर आई डी सॉरी वॉल्यूम दिया गया है सेकेंड सर्वर पे आपको आना है और अभी भी आप यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के अंदर चेक करेंगे तो कोई ऐसा फाइव जी बी का अपडेट नया नहीं मिलेगा आपको राइट right? सो so, करना है क्या आपको इसको मिनिमाइज करते हैं एंड आ जाते हैं सर्वर मैनेजर में यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है इसको भी मिनिमाइज करो और यहाँ पे विंडो एंड यहाँ पे आई इसका जी इनिशिएटर सर्च करो ऐसे क्लियर है यहाँ पे देखो एक आईस का जी इनिशिएटर कनेक्शन टाइप बना हुआ है आपने इसको ओपन करना है मैं दूसरे वाले सर्वर पर काम कर रहा हूँ तो ये कुछ सर्विस रनिंग और ये सब चीजें पूछ रहा है देन डेफिनेटली यस सारी चीजें ओके okay करना है यस yes करके और यहाँ पे आपको एक कंसोल मिलेगा इस कंसोल में कह रहा है कि टारगेट सर्वर बताओ तो टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टेन ये हमारा प्राइमरी सर्वर का आईपी एड्रेस है आपको पता ही है, है ना मेन सर्वर का हमारे आईपी एड्रेस है आईपी कॉन्फिग दिस इज द डीसी सर्वर एंड दिस इज द आईपी फॉर डीसी सर्वर सो सर्वर पे मुझे 10 -10 को करना है क्विक करना है और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सर्वर है मेम सर्वर टारगेट कनेक्टेड है और यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है नॉट कनेक्टेड ना जैसे ही मैं इसको यहाँ सेट कर दूंगा डन डन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सर्वर का डिटेल ओके okay कर देना है एंड फाइनली यहाँ पे आप आकर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिखाएगा स्टेटस अपडेट हो जाएगा हो गया कोई इशू एंड देन फर्स्ट सर्वर पे आपको आना है और यहाँ पे देख सकते हो फाइव जी का एक स्पेस आपको अलॉट हो गया ये डिस्क आपके इस सर्वर की नहीं है ये डिस्क आपके प्राइमरी सर्वर की है यानी कि पहले सर्वर की है बट आप यहाँ से इसका एक नया वॉल्यूम एक्टिवेट कर सकते हो ऑनलाइन कर सकते हो और यहाँ से कर सकते हो जी पी टी एम बी आर जो भी अपना पार्टीशन स्टाइल देना है बना सकते हो नया वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो देखो ये बन गया आपका फाइव जी बी का अलग पार्टीशन फर्स्ट सर्वर पे अगर आप आते हो माई कंप्यूटर के अंदर अगर चेक करते हो दिस पी सी के अंदर तो यहाँ पे आपको एफ ड्राइव बनेगा एफ ड्राइव के अंदर आई एस के जी इनिशियटर वर्चुअल डिस्क है आप इसका डेटा यहाँ पे देख सकते हो मेंबर सर्वर डेस्कटॉप डिटेल है और ये हंड्रेड एम का भी स्पेस ले चुका है इसको आप प्रॉपर्टी में आकर चेक कर सकते हो इसकी अदर डिटेल्स के बारे में तो टोटल स्पेस इसका दिखा रहा है बैक करके इसके बारे में और देखना चाहते हो यहाँ से भी डिटेल हंड्रेड एमबी का ही वो दिखा रहा है तो ये एक लोकेशन है जहाँ पे आपका एज इट इज एक प्लेस क्रिएट हो जाएगा बाकी कुछ नहीं सो दिस इज ऑल अबाउट आइसका जी इनिशियटर और यहाँ पे हमारा कंप्लीट सर्वर का जो पार्ट है वो एंड हो जाता है एंड सॉरी स्टोरेज का सर्वर में नॉट सर्वर कंप्लीट पार्ट दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज तो किसी को कोई डाउट

अब बहुत सारी कंडीशन देखो कंपनी में डिपेंड कर सकता है मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं इसको कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं अगर ऐसा कुछ है जैसे आपका जो मेन सर्वर है है ना आप या हम सबको पता होता है कि एक अगर लोकेशन पर डेटा सेंटर चल रहा है तो इसके पास सारे रिसोर्सेस सेटअप करे गए होते हैं कि नहीं बहुत बड़े स्पेस पर आपके डिस्क लगी होती है स्टोरेज होते हैं बाकी इनके जो साइट चल रही होती है यहाँ पे उस लेवर पर डिप्लॉयमेंट नहीं होता है राइट जब यहाँ पे उस लेवल पर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा और यहाँ पे में भी एक ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि मुझे एक दस जी का स्पेस चाहिए एक नया डिपार्टमेंट है एच डिपार्टमेंट उसको देना है या उसके इम्प्लॉज जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर उनके लिए शेयर करना है समझ गया कुछ भी मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे स्टोरेज ना लगाएं आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एक नेटवर्क स्टोरेज दे दो या नेटवर्क वी दे दो है ना नेटवर्क स्टोरेज बेस्ड वीएचडी तो ये बंदा यहाँ से अपने किसी भी वॉल्यूम का जहाँ पे जहाँ पे भी इसका स्पेस फ्री होगा वहाँ से 10 जी का एक एक आइस का जी इनिशिएटर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या कर देगा अलॉट कर देगा अब आप यहाँ से पार्टीशन क्रिएट करके ये दे सकते हैं टोटल डेटाबेस आपका यहाँ पे आके स्टोर होगा एक सेंट्रल मैनेजमेंट का भी काम हो जा रहा है आपके जो रिक्वायरमेंट है उसका भी फुलफिलमेंट हो जा हो जा रहा है समझ गया अब बाकी और भी कंडीशन हो सकती हैं बहुत सारी so, okay. Okay, sir. Hmm. तो ये सारी डिटेल्स होती हैं। okay. so, अभी हम यहाँ पे एक और टॉपिक ओपन करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ रेड डिस्क डेटा आइस का जी इनिशिएटर मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया बट मैंने उसको बता दिया क्योंकि अभी यहाँ पे मेंशन करना है कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है तो कोई नहीं उसको देखेंगे एंड अभी यहाँ पे हमारा एन टी एफ एस फाइल सिस्टम है शेयरिंग विद फाइल परमिशन है एस एम बी है एफ एस आर एम है डी ए डी एफ एस है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक हैं आप लोग इस पर काम भी करते हैं बट मैं भी शायद ध्यान देते हूँ कि यही वो टॉपिक है या नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है एन टी एफ एस फाइल सिस्टम अब देखो एन टी एफ एस फाइल सिस्टम होता क्या एग्जैक्टली exactly? मैं यहाँ से अब आइसके जी इनिशिएटर का जो लैब है वो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे सर्वर पे अभी कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक वेट करना है या काम करना है तो ठीक है यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से रिमूव आइस का जी इनिशिएटर या बी एच डी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा ओके फाइनली यहाँ से ये हो जाएगा रिमूव थोड़े समय के बाद अभी ये क्या कह रहा है तो यहाँ से कोई नहीं देखो अगर डिस्कनेक्ट करना है तो प्रॉपर वही फिर फॉर्मेट लेना पड़ेगा यहाँ से आ जाओ और जो ये कनेक्शन है इसको डिस्कनेक्ट करो यस yes करो हो गया डिस्कनेक्ट इनेक्टिव और फिर यहाँ से आप इसको क्लोज करो सर्वर वन पे आओ एंड यहाँ पे राइट right क्लिक करो रिमूव एंड डिलीट यस हो गया डिलीट सो फाइनली ऐसे आप कर सकते हो एंड uh, अब हम यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम परमिशन दिखाने जा रहे हैं जैसे अभी करंटली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी पार्टीशन बना हुआ है एन टी एफ एस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है ये हमारे सर्वर या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं विंडोज़ के उनका एक फाइल को स्टोर करने का टेबल बनाता है और ये हमारे पास एक एफ ड्राइव है इसके अंदर ये था अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है ओके ये हो गया सो so, फाइनली मुझे इसके अंदर जो भी डेटा रखना है वो एन टी एफ एस फाइल सिस्टम पे है या आर ई एफ एस फाइल सिस्टम पे है या फैट पर है वो सब चेक कर सकते हैं इस पे राइट क्लिक करो इसकी प्रॉपर्टी अब चेक करो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा फाइल सिस्टम क्या है दिस इज द एन टी एफ एस फाइल सिस्टम अगर बेसिक में अगर मैं ना पढ़ाऊं तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि सर्वर पढ़ रहे हैं फीचर तो NTFS के क्या क्या फीचर होते हैं आप लोग कुछ बता सकते हैं 32 और 16 से स्पीड उसका अच्छा होता है। फास्ट स्पीड हो होता स्पीड है अदर फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी से फास्ट स्पीड चलो कर दिया प्लस सिक्योर होता है है ना सिक्योर हुँ. क्योंकि आप इसमें इनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका ड्राइव है वॉल्यूम है उस पे इंक्रिप्शन लगा सकते हैं एंड आप यहाँ पे कॉम्प्रेस कर सकते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन को है ना साइज छोटा कर सकते हैं सेम डेटा को रखने के लिए डेटा कॉम्प्रेस करना एंड आप इस पे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं है कि नहीं प्लस एडवांस एडवांस फाइल सिस्टम परमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं By default, जो जो होते हैं उनमें उतना नहीं मिलेगा और और इसका इसका भी भी एक 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 आता है 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 तो अभी पुराना हो चुका इसका भी एक आ जाता कि अपने आप में ही एक encryption और हर चीज के साथ लेटेंसी को भी मेंटेन करते हुए पूरा बेस्ड एक फाइल सिस्टम स्टोरेज प्रोवाइड करता है या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए समझ गया आप तो फिलहाल अभी आप लोग एन और ये आर दोनों को यहाँ पे देख सकते हो जब आप एक नया पार्टीशन बनाते हो तो ये सारी चीजें कर सकते हो फैट या पुराने एलोकेशन टेबल पर अगर आप जाते हो फैट फैट थर्टी टू पर इन सब में तो फोर जी से अगर ज्यादा डेटा या फोर जी का डेटा है तो आप उसको डायरेक्टली किसी दूसरे लोकेशन या स्टोरेज या पेन ड्राइव में ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर फैट में है बट आप इसमें फोर जी से ज्यादा डेटा है या अप्रोक्सिमेट सिक्सटीन टीबी तक आई एम नॉट श्योर बट इतने तक ये क्या करता है डेटा एट अ टाइम ट्रांसफर कर सकता है वो भी हाई स्पीड इसका टेन टाइम फास्ट होता है अगर अब देखा जाए

और एक राइट का परमिशन होता है और एक रीड एंड राइट का होता है या फुल परमिशन बोल सकते हो रीड में सिर्फ आप देख सकते हो किसी भी डायरेक्टरी में क्या रखा हुआ है राइट में आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो रीड राइट में कंप्लीट और फुल मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे होता है ओके कोई भी चीज उसमें कर सकते हो तो ये फुल परमिशन ही हम लोग देकर शेयर करते हैं बेसिकली मैक्सिमम इसी की जरूरत पड़ती है कि डेटा उसके अंदर क्योंकि अगर हम कोई भी वॉल्यूम शेयर भी कर दें किसी को और रीड की परमिशन दे राइट की परमिशन ना दे तो कोई उसके अंदर डेटा रख ही नहीं पाएगा नेटवर्क के अंदर तो इसलिए हमें किसी भी स्पेस को रीड एंड राइट दोनों परमिशन दिया जाता है कि उसके अंदर डेटा देख भी सके इंसान या जो भी यूजर है और उसके अंदर का डेटा मॉडिफाई भी कर सके डिलीट एड जो भी करना है बट अगर आप चाहते हो कि किसी को आपने कोई वॉल्यूम या कोई ड्राइव शेयर किया और वो जो यूजर है यहाँ पे मान लिया एक पूरा ग्रुप है यूजर का ग्रुप है वो एच ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर पच्चीस लोग काम कर रहे हैं है ना या फिफ्टी पीपल्स जो भी हैं यूजर हैं एच डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो सौ यूजर काम कर रहे हैं और वो इस सी ड्राइव को या डी ड्राइव को एक्सेस कर रहे हैं तो उस पर आप अलग अलग परमिशन लगा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट ओके की यूजर सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं ना ही उसको किसी भी तरीके का उसमें डेटा और मॉडिफाई करके रख सकते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं इससे आपके इंटूडर बेस्ड जो एक्टिविटीज होती हैं हैक अटैक का जो चांस होता है मालवेयर वगैरह उसके अंदर अपलोड करने का चांस होता है वो सब क्या हो जाता है सेफ हो जाता है तो कंडीशन डिपेंड करता है कि कैसी परमिशन आप शेयरिंग और इन सब चीजों पर देना चाहते हैं बट इसके अलावा एक स्पेशल परमिशन भी इसमें होती है जो कि हम एस जब पढ़ाएंगे सर्वर मैसेज ब्लॉक तो उसमें दिखाएंगे बट आज अभी उतना टाइम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जब भी एक नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं आपको मैं लाइव दिखाता हूं ये देखो मैंने यहाँ से डिस्क एम जी एम टी डॉट एम एस सी ओपन किया सी दिस इज दर्वर एंड डिस्क एम जी एम टी डॉट एम एस सी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको डिलीट किया यहाँ पे वॉल्यूम डिलीट कर दिया और जब आप एक नया फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है सी मैंने यहाँ पे एन टी एफ जस्ट नेक्स्ट करना है सी दिस इज द फाइल सिस्टम एन टी एफ एस फैट थर्टी टू कभी नहीं रखेंगे आप एन टी एफ एस या इसका लेटेस्ट वर्जन है आर ई एफ एस इसके बारे में मैं कर दूंगा आर ई एफ एस है ना ये रेसिलेंस फाइल सिस्टम होता है इसको आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम का कोई भी नाम दे सकते हो और इसमें डेटा रख सकते हो ओके okay? एंड uh, अगर आप यहाँ पे आर यूज कर लेते हैं तो आर में क्या कह रहे हैं एनेबल फाइल एंड फोल्डर कंपरेशन नॉट इनेबल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है ओके okay? तो एन में काफी डिटेल्स आपको मिलती है बट इसका कहीं एडवांस वर्जन आर ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं मिल रहा है तो ये बाद में आप सारी चीजें इनेबल कर सकते हैं जस्ट आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है तो ये आपका बन गया टेक्स्ट फाइल है और फिर आपने इसके अंदर मैटर लिख दिया कोई भी ये मैटर लिख दिया और इसको सेव कर दिया अब अगर आप इस परमिशन अप्लाई करना चाहते हो इस फाइल के फाइल के ऊपर तो राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी में आ जाओ आप देखो यहाँ पे रीड ऑनली हिडेन जो भी है ये सब परमिशन आप लगा सकते हैं सिक्योरिटी है यहाँ पे सिक्योरिटी रीड राइट का और ये सब कर सकते हैं फुल कंट्रोल एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्लस एक चीज आप ध्यान दो एडवांस में आकर इंक्रिप्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को है ना इनक्रिप्ट कर देंगे जब भी इन्फॉर्मेशन को तो कोई भी वायरस आसानी से आपके डेटा को रीड नहीं कर सकता क्योंकि इंक्रिप्टेड कोड को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जैसे कि अगर मैं एक कोड लिख दूं, जैसे हम दो फ्रेंड हैं और हम दो फ्रेंड को एक कोड हम लोगों ने बनाया कि अगर हम लोग जैसे नहीं होता दोस्त वगैरह जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं आपस में वो एक कोड बना लिए तो ए ने बोला बी को कि एक काम करना अगर मैं वन टू थ्री लिख कर तुम्हें सेंड करता हूं तो इसका मतलब तुम समझना हेलो हाउ आर यू ऐसे हाउ आर यू इसका ये कोड बनाया इन्होंने इनक्रिप्शन ऐसे कुछ काम करता है तो ये इसको बोलेंगे वन टू थ्री हैकर अटैकर जब यहाँ पे होगा कहेगा ये वन टू थ्री क्या है अब इसका कोड तो इसको नहीं पता ना कि इसके अंदर ये लोग हेलो हाउ आर यू और ये बोलेगा आई एम फाइन का जो मतलब होगा मैं इसका थ्री टू वन कर दूंगा ओके okay? तो ये कहेगा ये वन टू थ्री थ्री टू वन क्या है मतलब तो जिन्होंने उस कोड को बनाया या जो ट्रस्टेड पार्टी है बस वही समझ सकती है इन्फॉर्मेशन को अननोन बंदा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के बाद भी नहीं कर सकता तो एन टेक्नोलॉजी जब से आया तब से ये सारे पॉसिबल ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं मैनेज करने को मिलते हैं और ये सारी डिटेल्स है किसी को कोई डाउट